जी हाँ, हेलो दोस्तों, नए यूट्यूब चैनल के लिए खुशखबरी। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, न्यूज़ चैनल पर वीडियो अपलोड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि न्यूज़ चैनल पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। जैसे कि आप अपना वीडियो अपलोड करते समय कोई गलती मत कीजिए, जिससे आपका यूट्यूब चैनल पे SEO में कोई दिक्कत ना आए और आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। तो आप किस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आपके चैनल पे व्यू 2-4 ही आते हैं या 5 आते हैं या 10 आते हैं? क्यों आते हैं? आप इसका रीज़न क्या है? आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है और वीडियो अपलोड करते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपलोड करते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब आप वीडियो सही तरीके से अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो चैनल पे व्यू ज़्यादा बढ़ेगा और आपके वीडियो पे भी व्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि वीडियो में SEO करना सबसे बेस्ट रहता है। कि SEO क्या होता है? SEO का मतलब ये होता है कि SEO मतलब ये होता है कि सर्चेबल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। जैसे कि आप अपने वीडियो में SEO करने का मतलब ये होता है कि आप टाइटल में सर्चेबल और टाइटल्स अपना सर्चेबल बनाइए और डिस्क्रिप्शन लिंक में अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिंक भी भरिए, और जैसे कि थंबनेल भी क्लिकबेट लगाइए और ये और टैग भी अच्छे से भरपूर भरिए कि आपके वीडियो के माध्यम से आप अपना टैग भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं अपने गांव से हूँ, मेरा बैकग्राउंड आप देख ही सकते हैं, मैं अपने घर पे ही बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा चैनल का नाम है टच पैड का स्पोर्ट, और चैनल को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं कि कैसे वीडियो अपलोड होता है और मैं अपना वीडियो कैसे अपलोड करता हूँ सही तरीके से। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, आप चलिए सबसे पहले अपने यूट्यूब पे पहले आपको इस तरह कुछ इंटरफेक्स दिखेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है टच पैड का स्पोर्ट, इस पे मैं अपना वीडियो कैसे अपलोड करता हूँ आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरा वीडियो यहाँ पे सारा कुछ आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कल वीडियो अपलोड किया था कि वीडियो वायरल कैसे होता है, सब चिंता छोड़ो मैं बताता हूँ, और 2 मिनट में थंबनेल बनाएं, HD कैसे बनाएं, जैसे कि शॉर्ट वीडियो डालते समय कौन सा टाइम है, जैसे कि मैंने ये सारा कुछ वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है आप भी सीख सकते हैं। 5 बेस्ट थंबनेल मेकर ऐप्स आप इसके अंदर देख ही सकते हैं। और यूट्यूब के लिए खुशखबरी, शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, ऐसे ही आपको 5 हैशटैग लगाओ 5 मिनट में गारंटी के साथ वायरल, ऐसे ही आपको सारा वीडियो हमारे मोबाइल पर मिल जाएगा। नए चैनल के लिए देख सकते हैं, 1 साल में यूट्यूब चैनल मोनेटाइजर 1 साल में नहीं हुआ तो क्या होगा, आप वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा MB को कम MB में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारे तरीका आप देख सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, देसी जुगाड़ मिलेगा, जल्दी तरीका अपनाएं। आप देख सकते हैं ये सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, हाउ टू शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब न्यू चैनल, थंबनेल कैसे बनाएं। जैसे कि गलत टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं इसलिए आपके चैनल पर 5-6 व्यू आता है, आप सारा कुछ आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है आप ही ये भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है और पिक्सल ऐप से थंबनेल कैसे बनाएं, सारा कुछ आपको इसके अंदर दिया हुआ है। और आप चलिए देख सकते हैं कि मैं अपना वीडियो कैसे अपलोड करता हूँ पूरा SEO के साथ में। जैसे मैंने प्लस आइकन पर क्लिक किया, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। जैसे कि मैंने ये वीडियो चुन लिया, जैसे कि मैंने वीडियो पे क्लिक करके ये वीडियो चुन लिया है, थोड़ा सा वेट करिए। उसके बाद इसमें आपको थंबनेल लगाना है। थंबनेल लगाने के लिए पहले आपको चेक करना है कि हमारा अनइंस्टॉल है या पब्लिक है या प्राइवेट है, तो आपको सिर्फ अनइंस्टॉल पे अपलोड करना है। यहाँ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। उसके बाद आपको थंबनेल नहीं लगाना है, जैसे कि लोकेशन चेंज करना है, क्योंकि आपको लोकेशन चेंज करना है कि वीडियो अपना अपलोड करते समय और कर चुके हो, उसके बाद आपको वीडियो को कहाँ पे रन करवाना है, यानी कि आपको इंडिया में रन करवाना है कि या बाहरी कंट्री में। जैसे हमको वीडियो इंडिया में रन करवाना है क्योंकि हम अपना हिंदी भाषा में वीडियो बना रहे हैं, तो IND
इंडिया, आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद थोड़ा सा कट गया भाई, IND इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको लोकेशन चेंज करना है और आपको डिस्क्रिप्टिव लिंक यहाँ पर भरना, लेकिन यहाँ पर नहीं, हैशटैग आप भर सकते हैं, हैशटैग भर सकते हैं, जैसे कि पर्स, जैसे कि आप भर सकते हैं मनोज डे क्रिएटर, हमको, हम इनको सबको ज़्यादा भरता हूँ, आप भी कोई भी भर सकते हैं, हाउ टू वीडियो अपलोड फर्स्ट वीडियो, जैसे कि आप भर सकते हैं, और व्यू कैसे बढ़ाएं, ये सब आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा बैक जाना है, हैशटैग भरने के बाद आपको बैक जाना है, उसके बाद आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है 18+। दिस वीडियो इज सेट टू नॉट मेड फॉर काइंड्स, जैसे कि बच्चों के लिए वीडियो बना है कि नहीं बना है, तो आपको नॉट इज नॉट मेक फॉर काइंड्स, आपको इसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद 18+ पे डू नॉट रिसेट माई वीडियो दिस रिव्यूअर ओवर 18+, तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि 18 के नीचे वाले के लिए आपका ये वीडियो नहीं बना हुआ है, तो आपको 18+ के ऊंचे पे सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको लिखा है शोर्ड रिमिक्स अलो वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्स, इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको इसमें लिखा है ऑडियो वीडियो ऑडियो रिमिक्स और अलाउ ओनली ऑडियो रिमिक्स और डू नॉट अलाउ रिमिक्सिंग, तो आपको सेलेक्ट करना है अलाउ ओनली ऑडियो रिमिक्स पे। ये सारे सेटिंग सेटअप बाय सेटअप आप समझिए, पूरा SEO के साथ आपको समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सीधा आप बैक जाइए, बैक जाने के बाद कमेंट पे जाइए, आपको कमेंट में ऑन करना है। फिर उसके बाद आपको बेसिक कमेंट पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपके वीडियो पे कमेंट करे वो बेसिक कमेंट ही आपके पास आए और बेसिक ही कमेंट कर सके, गलत तरीके का कमेंट वो ना कर सके। फिर उसके बाद आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आप यहाँ से वीडियो को अपलोड कर दीजिए, यहाँ से वीडियो को आप अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको सीधा जाना है YT स्टूडियो पर, आप चेक करिए कि वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सी वीडियो पर आप क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं सी वीडियो पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे योर वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस घूमने को दिखेगा, जैसे कि आपका वीडियो अपलोड हो रहा है अनस्टार पे। आप अनस्टार का चिन्ह देख सकते हैं बीच में, जैसे कि अबाउट 22 सेकेंड नीचे बना हुआ है, आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। अपलोड हो जाने के बाद आपको सीधा बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको कुछ जाके YT स्टूडियो में सारा कुछ सेटिंग करना है। आप YT स्टूडियो को ऑन कीजिए, जैसे कि हमारा ये ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं हमारा इम्प्रेस देख सकते हैं, और जैसे कि हमारा इम्प्रेस वीडियो 11,600 लोगों के पास इम्प्रेस में गया है, यहाँ मैंने SEO किया है तो हमारे वीडियो इतने लोगों के पास भेजा जा रहा है, क्योंकि नया वीडियो चैनल है इसलिए। जैसे कि आपको SEO करना है, कॉन्टेंट पे आप जाइए, कॉन्टेंट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको करना है वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, ये आज तक कोई इस तरह सा आपको कोई नहीं बताया होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो को अपलोड किया है, फर्स्ट वीडियो ऊँचे ही है, आपको क्लिक कीजिए थ्री डॉट पे और एडिट पे सेलेक्ट कीजिए। एडिट पे सेलेक्ट करते समय आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह खुल गया। आपको थंबनेल पहले लगाना है, तो थंबनेल के लिए आप कॉलम पर सेलेक्ट कीजिए, कॉलम पर सेलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज थंबनेल इस पर सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो हमको वीडियो अपलोड करना है तो थंबनेल आप इसके अंदर कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हमको ये थंबनेल लगाना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने थंबनेल लगा चुका हूँ, और फिर डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपको टाइटल भरना है, टाइटल भरने के लिए आपको सीधा इसको हटा देना है, और इसमें लिखा है लिंक भेजने से चैनल डेड, जैसे कि हमको लिखना है लिंक भेजने से चैनल डेड, चैनल डेड, लिंक भेजने से चैनल डेड, हमको ये लिखना है। उसके बाद आपको स्किप करके कामा लगा देना है, ये कामा लगाना है बड़ा वाला, बीच वो कामा नहीं लगाना है,
छोटा कामा बड़ा कामा लगा के फिर आपको इसके अंदर लिखना है, फिर स्केप करना है, इसके अंदर लिखना है कि आपको इस जो आपका जो वीडियो हो उसी कैटेगरी का आप इसके अंदर शब्द लिख सकते हैं। आप जैसे कि कोई भी वीडियो आप डाल रहे हैं तो वो किस कैटेगरी का वीडियो है तो उसका पर्सन आप इसके अंदर टाइटल में लिख सकते हैं, लिंक भेजने से चैनल डेड। तो आप फिर इसके अंदर लिखना है हाउ टू चैनल डेड, जैसे कि एच ओ डब्ल्यू हाउ टू मेक सी एच ए चैनल डेड। आपको इतना लिख के फिर आपको टाइटल हो गया, आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा फुल भरना है। जैसे कि आपको आपने वो भरा था तो बैक जाइए, फिर यहाँ पे चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आपको थोड़ा सा स्केप करना है और इसके अंदर जिस तरह का आपका वीडियो हो, किस कैटेगरी का वीडियो हो, वो सारा पर्स इसके अंदर करीबन 15 पर्सनों में इसमें लिखना है। तो आप पूरा भर के फिर आपको थोड़ा सा जैसे कि बैक जाना है और आपने जैसे हमने लिखा है थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको लिख के लगा देना है। लगाने के बाद आपको स्केप करना है, स्केप करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जाना है, फिर स्केप करना है और हमको लिखना है अपना नाम ANGAD अंगद वर्मा। फिर आपको लिखना है हम अपना पता मैं लिख रहा हूँ बहराइच उत्तर प्रदेश इंडिया। हमने लिख के पूरा बाकायदा आपको स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे हैं कि कैसे SEO होता है। और इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक पर फुल भरना आपको, हमको नहीं भरना तो अब मैं नहीं भरता हूँ, आप भर सकते हैं। जैसे कि पूरा भर के आप बैक जाइए, बैक जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप समझिए भाई। और वहाँ पे तो आपने फ्लड कर ही दिया था, तो फ्लड करने के बाद सीधा टैग भरिए। टैग भरना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त, टैग भरते समय आपको सारी बातों का ख्याल रखना, करीबन 15 मैक्सिमम 15 और मिनिमम 2 या 3। तो आप 3 या 4 टैग लगा सकते हैं और मैक्सिमम 15 ज़्यादा टैग नहीं भर सकते हैं। तो हमको टैग भरने के लिए हैच दबाना है, फिर उसके बाद हाउ टू मेक CHANAL चैनल डेड, हमको ये भर के स्केप करना है। एक कामा लगाएंगे आपका बन के तैयार हो जाएगा टैग। फिर नीचे लिखना है आपको जैसे कि वीडियो चैनल डेड कैसे होता है। जैसे मैंने जो टॉपिक मैंने बनाया है वो टॉपिक में आपका वीडियो जो भी टॉपिक का हो उसी टॉपिक का आप टैग लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने हैच और फिर लिखना है हमको अपने चैनल का नाम लिखना है टेच प्रैक्टिकल SPORT स्प्रोट। फिर काम लगाना आपका चैनल पे टैग लग गया, आप अपने चैनल का टैग अवश्य भरिए, हर वीडियो में अपना टैग लगा दीजिए अपने चैनल का नाम से। और फिर उसके बाद हमको इतना भरना, फिर ऑडियो रिमिक्स पे फिर क्लिक करना है, वो तो आप वहाँ पे सेट ही कर दिया था। और आप अपने कैटेगरी चुन सकते हैं, ये है हाउ टू स्टाइल कैटेगरी। जैसे कि हाउ टू पे मैं काम कर रहा हूँ तो हमारा हाउ टू कैटेगरी है, अब आप किस कैटेगरी से काम कर रहे हैं उसी कैटेगरी का चैनल पे अपना। और लेकिन आप समझ सकते हैं कि वीडियो का कैटेगरी अलग होता है और चैनल का कैटेगरी अलग होता है। तो आपका गेमिंग का हो तो गेमिंग डाल सकते हैं, कॉमेडी का तो कॉमेडी डाल सकते हैं, एजुकेशन का एजुकेशन डाल सकते हैं, इंटरटेनमेंट का वीडियो हो तो उसको इंटरटेनमेंट डाल सकते हैं, जैसे ही न्यूज़ पॉलिटिक्स का है तो उस पर डाल सकते हैं, पीपल ब्लॉग का है तो उस पर कैटेगरी डाल सकते हैं, और साइंस टेक्नोलॉजी का है तो उस पर डाल सकते हैं, और ट्रेवल इवेंट का है तो उस पर डाल सकते हैं। अब किस कैटेगरी का वीडियो है आप उसी पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारा वीडियो हाउ टू स्टाइल पे है, तो हमें हम हाउ टू स्टाइल सेलेक्ट कर चुका हूँ। फिर उसके बाद आप बैक जाइए, बैक जाने के बाद आपको शो हाउ मेक व्यूअर लाइक दिस वीडियो, जैसे कि जो वीडियो को लाइक आता है वो यहाँ पर शो होगा, इसलिए क्लिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपका पूरा परफेक्ट तरीके से पूरा SEO हो गया है, SEO हो गया है, अब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका हो गया है। आपको वीडियो अपलोड करना है, जैसे कि हमारा भी पेंडिंग पे ही पड़ा हुआ है, अनइंस्टॉल पे पड़ा हुआ है, तो हमको वीडियो इस समय प्राइवेट नहीं करना है। और जब हमको पब्लिक करना है, जब हम पब्लिक कर सकते हैं कभी भी, तो हमको अपलोड करना है भी अनइंस्टॉल पे, जैसे हमको टाइम देख के ही मोबाइल में
अपलोड करना है। जैसे कि हमारा सुबह के 9 से 10 के बीच में वीडियो आता है तो हमको इसको 10 बजे पब्लिक करना है, या 6 बजे करना है तो 6 बजे पब्लिक कर सकते हैं, रात को करना है तो रात को कर सकते हैं, या कल दोपहर करना है तो कल दोपहर भी कर सकते हैं। पब्लिक करेंगे तभी आपका वीडियो अन्य मोबाइल पर शो होगा, इसलिए हमको अनस्टा पे ही अपलोड करना है इस समय। तो मैं अभी अनस्टा पे सेव कर देता हूँ। जैसे कि हमारा वीडियो सेव हो गया है, ये परफेक्ट तरीका है। जैसे हमारा वीडियो भी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाने के बाद मैं पब्लिक कर दूँगा, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा वीडियो यहाँ पर सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आपने स्क्रीन पे देखा हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमको मैंने आपको समझाया कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, और SEO करना भी सिखाया हूँ कि वीडियो अपलोड करने समय क्या क्या करना चाहिए, और थंबनेल भी कैसे लगाया जाता है अपने वीडियो पे, और टाइटल भी कैसे लिखा जाता है अपने वीडियो पे, हमने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है आपको। और आप इसी तरह से न्यू चैनल के लोग वीडियो अपलोड करो, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा, आपके चैनल ग्रो भी होगी। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त, इसी तरह के मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अंकित वर्मा है और मेरे चैनल का नाम टेस्ट पैड का स्पोर्ट है, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के वीडियो आपके सामने आती रहेगी और आपका सारा चैनल पर हेल्प होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।